हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाइट। और वापस से आ चुका हूँ मैं एक और नए गेम प्ले के साथ। सॉरी, हाँ इस टाइम पे मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, इसलिए आज भी मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। कल शायद तक मैं लाइव आऊँ, तो आज मैं वीडियो के बारे में ही बात करूँगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। हाँ, तो इस प्लेयर का नाम और मैंने इसके ऊपर एक बार वीडियो डाली है, याद है तुमको, जब मैंने कहा था कि ये टॉक्सिक हो रहा है बंदा। ऑफकोर्स ये वही वाला है, लेकिन इस वाले मैच में इसने काफ़ी अच्छा खेला और अच्छे से बिहेव भी किया इसने मेरे साथ। मतलब मैं भी इस साथ बिल्कुल टॉक्सिक नहीं हुआ और ये भी मेरे साथ बिल्कुल टॉक्सिक नहीं हुआ, तो एकदम प्यार से चला ये वाला मैच। अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा और एक्चुअली इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला। इसके पास लिंग है और मेरे पास शेंग है और ये अच्छे से कूट रहा है यहाँ पर मेरे क्रिटिकल से ही। और एक और बेसिक लगा यहाँ पे स्पिनिंग, वो मारना चाहता था लेकिन मेरा बेसिक उसको कनेक्ट हो गया। वहाँ पे आरसी का उसने ट्राई किया, आरसी नहीं जेसी था वो, लेकिन ठीक है। यहाँ पे एक और बेसिक लगा, उसका जो है ना वेपन चमक रहा है, मतलब क्रिटिकल लग सकता है लेकिन अब नहीं लगेगा। ओके, मैंने शेडो मारा लेकिन शेडो किसी काम का नहीं, बहुत ही घटिया शेडो मैंने मारा, लेकिन उसने एकदम परफेक्ट टाइम पे शेडो यूज़ किया और उसने जंप किक भी मारा। यहाँ पे क्रिटिकल भी लग चुका है, हैवी भी लग चुका है और अच्छे से फंस रहा हूँ यहाँ पे मैं। उसका ग्रैब हो गया मेरे को और क्या मैं उसको शेडो मार पाऊँगा? हाँ, इस शेडो के साथ शायद मैं उसको ख़त्म कर दूँ। क्या ख़त्म होगा? अरे यार, 4 HP बस छोड़ दिया, लेकिन चलो एक स्पेशल के साथ यहाँ पे वो निपट चुका है। अब मेरे पास एक और आफ्टर लाइफ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फैटल डैमेज के बाद एक आफ्टर लाइफ शैम को मिलती है और उसके बाद एक शेडो भी मिलता है मेरे को। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत वाली बात आ चुकी है, इसके पास अजूमा रखा हुआ है। क्या अजूमा के साथ ये मेरे को बहुत गंदा मारेगा या मैं थोड़ा बहुत डैमेज देने में कामयाब रहूँगा? चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे जंप किक मारा लेकिन मैंने उसको ब्लॉक कर लिया। आज पता है मैंने बहुत देर तक ब्लीच देखा, मैं क्यों देख रहा था पता नहीं लेकिन बहुत मज़ा आया ब्लीच के साथ। तुम लोग देख सकते हो अगर जिस किसी ने नहीं देखी है तो, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी यार। मैं बहुत समय से इग्नोर कर रहा था ब्लीच को, लेकिन आज जब अच्छे से देख रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है ब्लीच, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ओके, वहाँ पे मेरा शेंग निपट चुका है और यहाँ पे हेल्गा आ चुकी है। हेल्गा के सामने मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टिक पाएगा, फिर भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेशल कनेक्ट हुआ क्योंकि अजूमा की वीकनेस ही हेल्गा है ना, मतलब काफ़ी बड़ी वीकनेस है हेल्गा। ओके, यहाँ पे एक शाइन डैश लगा, एक और हैवी लगा उसको। ये मेरा एक और हैवी मारने का ट्राई था लेकिन उसने ग्रैब कर लिया, उसकी हेल्थ आधी हो गई। यहाँ पे क्रिटिकल अटैक और ये बेसिक कनेक्ट हुआ मेरा, ये लोअर भी कनेक्ट हुआ उसको और शाइन डैश डॉज नहीं कर पाया। यहाँ पे लोअर लगा, एक और हैवी लगा, उसके पास केवल 137 HP थी। मैं क्यों अपर मार रहा था मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन इस स्पिनिंग किक के साथ वो निपट चुका है। अब उसकी फाइनल कैरेक्टर यूनलिन है और यूनलिन से तुम लोग तो जानते हो कि मेरे को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है और इसने हाँ बहुत दिक्कत दी मेरे को यूनलिन के साथ। भाई मेरे को मतलब कोई हराने के लिए बस यूनलिन लेके आज अपनी टीम में, मैं हार मान जाऊंगा वहीं से। मतलब मैं बोल दूंगा कि भाई आज आप पीट दे मेरे को, मैं कुछ नहीं कर रहा, इतना मेरे को दिक्कत है यूनलिन के साथ। बहुत सारे मैच में हारता हूँ यूनलिन से, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस शायद तक इस गेम के अंदर। ओके, और यहाँ पे मैंने जंप किक मारा और शार्ज भी है, जबकि शार्ज तो इस टाइम पे इतना बफ्ड भी नहीं है, उसके बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शार्ज के सामने, पता नहीं क्यों होती है, हमेशा ही होती है। ओके, ग्रैब मिला यहाँ पे उसको और उसने जे आर सी मारते हुए जो है ना अपना फ्लूट बजाया, अच्छा टेक्निक है, अच्छा टेक्निक है। ओके, यहाँ पे हैवी, ओके फिर से उसने वही वाली टेक्निक की, आर सी मारते हुए या जे सी मारते हुए उसने अपने फ्लूट को बजाया था, अच्छा है शेडो उसने यूज़ किया था वहाँ पे। ये बेसिक कनेक्ट हुआ मेरा, यहाँ पे लोअर कनेक्ट हुआ, मेरे को हैवी मारना चाहिए था लेकिन कोई ना, बहुत ज़्यादा ही हैवी यूज़ कर रहा था तो मैंने इसलिए हैवी नहीं मारा वहाँ पे। ओके, उसने वापस से जो अपने आप को इथर्नल मोड में ले लिया था वहाँ पे और स्पिनिंग कनेक्ट नहीं हुआ, उसका अपर कनेक्ट हो गया वहाँ पे, एक और स्पिनिंग उसका कनेक्ट हो गया, बहुत सारा डैमेज पड़ा मेरे को, लेकिन चलो मैं शायद उसमें चला गया, आफ्टर लाइफ में चला गया था और आफ्टर लाइफ में हूँ, लेकिन अब शायद तक निपट जाऊँगा। ये कैसा हैवी डैमेज था भाई, एक बार में पूरा का पूरा चला गया, कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया वहाँ पे। चलो खैर कोई बात नहीं, उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला यूनलिन के साथ। और यहाँ पे केट आ चुकी है, क्या मैं केट के साथ हरा पाऊँगा? अगर मैं एक्चुअली केट के साथ भी नहीं हरा पाया ना, तब तो मेरे को कहीं पे डूब जाना चाहिए जाके और अपने आप को सन्यासी घोषित कर देना चाहिए, ये गेम मेरे फिर लायक नहीं है। यहाँ पे क्रिटिकल बेसिक लगा, ये हैवी लगा, उसके पास थोड़ा सा कम हेल्थ होता तो वहाँ पे एक बार में चला जाता। ओके, और इस हैवी के साथ वो यहाँ पे निपट जाएगा और वो निपट गया, उसने काफ़ी अच्छा खेला, वेल प्लेड ब्रदर, एक्चुअली यू प्लेड वेरी वेल।
ओके तो चलो अब बढ़ते नेक्स्ट मैच की तरफ। और नेक्स्ट मैच में अपन के पास है रस्टी आर्क 3180 HP के साथ, और ये थोड़ा सा पुराना मैच है, द जॉबलेस मैन ने मैंने नाम रखा था, याद है तुमको, उस टाइम का मैच है। और मेरे पास है कोटल। पहले जब मैं ये वाला मैच देख रहा था ना अपने उसके अंदर क्या कहते हैं मतलब फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर, तो मेरे को लग रहा था कि अरे मेरा तो शैंग है, मैं ऐसे शैंग के साथ खेल रहा हूँ, मैं तो ऐसे शैंग के साथ नहीं खेलता, मेरा अलग है गेम स्टाइल थोड़ा सा। फिर मतलब यहाँ पे मैं शेडू यूज़ कर लेता अगर मैं होता तो। मेरे को बहुत सी जगह लगा कि अरे यार शेडू क्यों नहीं यूज़ कर रहा यार मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर बाद में आता है अरे मेरा तो कोटल है, गधे कहाँ देख रहा है तू। एक्चुअली मेरे कसम से बहुत देर के बाद आया था, क्योंकि मैं कभी भी कोटल यूज़ नहीं करता, अगर तुम लोगों को पता हो तो, अगर तुम लोग जानते हो मेरे को तो कोटल मेरा सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है, मैं यूज़ नहीं कर पाता कोटल अच्छे से। और यहाँ पे मैंने बेसिक मारा और शेडो लग चुका है, उसको लगा था मैं पास आके शेडो मारूंगा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वहाँ पे, वो ख़त्म हो सकता था। क्या यहाँ से वो मेरे को बहुत गंदा पीटने वाला है या देखते हैं कैसा करने वाला है। ओके मैंने ग्रैब कर लिया और यहाँ पे शेंग अपने आफ्टर लाइफ में उसका शेडो कनेक्ट हुआ, एकदम अनप्रिडिक्टेबल शेडो था। और ये वाला कॉम्बो देख कर मेरे को लगा था कि अरे ये तो मैं नहीं मारता कभी भी, तो मैंने अपना नाम देखा और मैंने सोचा अच्छा मैं तो कोटल हूँ। तब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा ठीक है ठीक है ठीक ही खेल रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ कोटल का, बहुत ही घटिया प्लेयर हूँ, लेकिन चलेगा। यहाँ पे उसके पास कोबरा आ चुकी है और मेरे पास अभी भी कोटल है, काफ़ी सारी हेल्थ है, एक आफ्टर लाइफ बचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आते उसका चार्ज बाइट लगा मेरे को, यहाँ पे क्रिटिकल वाला जंप किक और काफ़ी सारा डैमेज दिया लोवर के साथ। बाय द वे बताना हाँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसिव तो नहीं हो रहा, और मैं शायद कोटल कभी ना कभी गेम प्ले करूँ, इसका मतलब अभी तो मैं यूका यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो इस सीज़न मेरा पूरा यूका के साथ ही रहेगा, यूका के बिना मैं नहीं खेलूँगा एक भी मैच। तो अभी तो यूका वाला सीज़न चल रहा है, लेकिन अगला वाला सीज़न जो है ना पूरा का पूरा कोटल के बेस में मैं कर सकता हूँ अगर तुम लोग चाहोगे तो। लेकिन कोटल सीखने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता कोटल, मतलब वो मेरे को यूका से भी ज़्यादा टफ लगता है कोटल, मतलब इसके कॉम्बोज वगैरह नहीं बन पाते मेरे से, बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है, टाइमिंग की गड़बड़ी, मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे को मास्टर करना पड़ेगा टाइमिंग को। ओके यहाँ पे मैंने उसको ग्रैब कर लिया, मैं आफ्टर लाइफ में हूँ, लेकिन ये आफ्टर लाइफ ख़त्म ही नहीं होती, बहुत परेशान करता है ये आफ्टर लाइफ सच में। ओके और यहाँ पे जंप किक और उसका स्पेशल लग गया, मेरे को क्रिटिकल वाला स्पेशल था, बहुत सारे कोबरा को क्रिटिकल मिलते हैं यार, लेकिन अच्छी बात है, मतलब इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है कोबरा को, तो इतना तो बनता है। पता है आज तक मैं बहुत सारे प्लेयर्स से ऐसे मिला हूँ जो कोटल यूज़ करते हैं और अच्छे से यूज़ करते हैं कोटल को, लेकिन उनमें से अगर टेक्सन नॉक्स और रिट्रीव को देखा जाए ना, एक्चुअली ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा कोटल चलाते हैं यार, मेरे को उनका बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि बाकियों को मैं देखता हूँ ना जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर भी है रैंकिंग के ऊपर लीडर बोर्ड में, लेकिन उनका तुम गेम प्ले देखोगे तो एक्सट्रीम पैसिव, बेसिक बेसिक या तो फिर सुपर पैसिव, ज़्यादा अटैक्स नहीं, पूरा वेटिंग गेम ऐसे ही चलाते हैं। पर एक्चुअली लीडर बोर्ड में यही होता है, या तो तुम मतलब रो सकते हो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कि अरे सुपर पैसिव है, या तो फिर ये कैंप कर रहा है वगैरह वगैरह, जैसा कि मैं करता हूँ, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा रोता हूँ, या तो तुम उसको काउंटर कर सकते हो जैसे कि बाकी प्रो प्लेयर्स करते हैं, एक्चुअली काउंटर करते रहते हैं, तो वही अब जैसा सही लगे वैसा करो, मेरे को रोना भी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को रोने में, अच्छा लगता है रोने में, थोड़ा सा दिल की भड़ास निकल जाती है। और यहाँ पे उसने शेडो मार दिया और एक और शेडो मार दिया, ये वाला कनेक्ट भी हो गया, गलत ही कनेक्ट हो गया यार। और मैं यहाँ पे ऊपर वाला शेडो मार सकता जिसमें तीर बरसते हैं, लेकिन मैं तो गधा हूँ, मैं क्यों ही मारूँगा। ओके और यहाँ पे सोल ग्रिप मारने का ट्राई कर रहा था लेकिन लगा नहीं, यहाँ पे उसने हैवी किक मारा और ये बेसिक, ये दूसरे बेसिक के साथ यहाँ पे उसकी कोबरा ख़त्म हो जाएगी। ओके लेकिन उसका आखिरी कैरेक्टर जो है ना वो अजूमा है, और अजूमा को शेंग के साथ हराना, आय हाय हाय दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन चलो देखते हैं कि अपन थोड़ा बहुत डैमेज दे सकते हैं कि नहीं, मतलब डैमेज दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे आते ही मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था और मैंने ग्रैब कर लिया उसको, मैं थोड़ा सा पैसिव हूँ यहाँ पे क्योंकि उसके पास अजूमा है ना, फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे ग्रैब भी कर लिया मैंने और अपर लगा, ओके यहाँ पे शेडो कनेक्ट हुआ पहला वाला, ये सोल ग्रिप कनेक्ट हुआ और मेरे को शेडो नहीं मारनी चाहिए थी शायद तक, लेकिन चलो कोई ना, यहाँ मैंने पूरा शेडो नहीं मारा तुमने देखा। और ये मेरा ग्रैब था लेकिन उसका फ़ोन क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छा है तो उसने मेरे को ग्रैब कर लिया, छी भाई छी, ये तो गलत बात है यार, ऐसा थोड़ी होता है, मेरा ग्रैब छीन लिया उसने, मतलब एक गरीब बेचारा थोड़ा सा ग्रैब कर रहा है लेकिन समाज वाले ग्रैब नहीं लेने देंगे उसको, ठीक है
यहाँ पे इस बेसिक के साथ ही मेरा शैंक ख़त्म हो चुका है और मेरे पास अब बची है हेल्गा। और अब तुम इसका गेम प्ले देखना। हाँ, यहाँ से इसने क्या ही तो परेशान किया भाई मेरे को इसके बाद, मतलब एक्चुअली एकदम हालत ख़राब करके रख दी थी इसने। और मैच स्टार्ट, फाइट स्टार्ट। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे उसका बेसिक किक लगा और क्रिटिकल वाला बेसिक किक था ये, हैवी किक। और डायगनल किक लगा उसका मेरे को, उसको बैक किक भी कह सकते हैं। मेरा अभी स्पिनिंग किक क्रिटिकल वाला था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस वाले किक का, जो अगर मतलब क्रिटिकल लग भी गया तो, अगर नहीं भी लगता तो कोई ज़्यादा खास होता नहीं। ओके, यहाँ पे उसने ग्रैब किया मुझे, ये लगा मेरे को स्पेशल, लेकिन पूरा पूरा कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर मैं ग्रैब करने के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि उसका डिवाइस मेरे से ज़्यादा अच्छा है, तो अगर ग्रैब करने के लिए जाऊँगा तो ये मेरा ग्रैब छीन लेगा चरवाहा, इसलिए जो है ना मैं कुछ किया नहीं वहाँ पे। और उसको वापस से क्रिटिकल लगा और बेसिक भी कनेक्ट होगा, दोनों के दोनों बेसिक कनेक्ट हुए और मैं कितनी जल्दी आफ्टर लाइफ में भेज दिया भाई इसने। ओके, ये लोअर उसने बहुत बड़ी गलती भी की लेकिन शेडो यूज़ करके वहाँ पे। और क्या मैं शाइनिंग डैश यूज़ करके हरा सकता हूँ उसको? हाँ, यहाँ पे फाइनली उसका अजूमा हार जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो ही ठीक है।